नगर निगम के द्वारा नौकैन की तर्ज पर राप्ती नदी में बोटिंग शुरू किया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर के पर्यटन के इतिहास में नगर निगम के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। नगर निगम के द्वारा अनुबंधन के अनुसार राप्ती नदी में 2 मोटर बोट को चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा और भी बोटों को नदी में चलवाया जाएगा, जिससे कि इधर के लोगों को बोटिंग का आनंद राप्ती नदी में मिल सके। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन के साधन लगाए जाएंगे। प्रयास है कि जिस तरह से नौकायन को पर्यटन के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर राप्ती नदी में भी बोटिंग का शुभारंभ करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, निश्चित रूप से गोरखपुर के पर्यटन के इतिहास में ये आज एक क्रांतिकारी कदम है। आज हमारे पास जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत यहाँ पर 2 बोट आ चुकी है। 2 बोटों के अलावा जो अभी कुछ ही दिन में और भी, जिसमें जो एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़े हुए चीज़ हैं, आने वाले हैं, और उसके आ जाने से यहाँ फूड कोर्ट बनेगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन के साधन लगाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोगों ने नौकायन या रामगढ़ ताल को डेवलप किया है, उसी प्रकार से हम इसको भी डेवलप कर रहे हैं, और जिसके डेवलप होने से गोरखपुर के पर्यटन को एक नया बढ़ावा मिलेगा।